मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। एक ऐसी लैंग्वेज जिसको एक छोटा बच्चा भी आसानी से पढ़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आसान सी लैंग्वेज मार्केट में जो चलती है, जो हमारे इंडिया लेवल पे काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, उस लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइथन पे। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मित्रों, जिसको एक छोटा बच्चा भी आसानी से कर सकता है। और इतना ही नहीं, उसमें कोडिंग भी कर सकता है, वेब डेवलपिंग भी कर सकता है, ऐप ऐप भी क्रिएट कर सकता है दोस्तों। तो क्या हुआ, इसका मतलब यह पाइथन एक इतनी आसान लैंग्वेज, इतनी आसान लैंग्वेज है कि जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और आसानी से हम लोग पढ़ के किसी भी वेबसाइट डेवलपर या ऐप ऐप क्रिएटिंग या फिर हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, कुछ भी कोई कोडिंग अगर हमें आप लोगों को करनी है तो हम पाइथन पे आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं पाइथन लैंग्वेज की। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से मित्रों आज पूरा पाइथन चैप्टर आप लोगों को इसी में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। तो हम बात करते हैं किस पे, आज हम लोग बात करेंगे इस पाइथन पे कि आखिर पाइथन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पाइथन क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, हमारा सी, सी प्लस प्लस, जावा, एचटीएमएल, कुछ भी कोई भी सारी लैंग्वेजेस कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक लैंग्वेज हमारी कौन सी आती है? पाइथन लैंग्वेज आती है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग चर्चा आज पूरे वीडियोज में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज होता क्या है। तो पाइथन लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स हाई लेवल इंटरप्रेटर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर से ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा दोस्तों, ओपन सोर्स हाई इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर जनरल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? इजी टू यूज, यानी कि इसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी पावरफुल लैंग्वेज है जिसके बिना कोई भी कार्य अधूरा होता है कंप्यूटर के क्षेत्र में दोस्तों। और इसको हम लोग आसानी से इसे यूज करके एप्लीकेशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। क्या दोस्तों? एप्लीकेशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक छोटी सी लैंग्वेज और इतना कमाल के करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि छोटा बम बड़ा धमाका, तो यही हाल है। एक छोटा सा लैंग्वेज है जो कि मार्केट में इतना छा गया है, इतना छा गया है कि आज इसके बिना कोई रह नहीं पा रहा है, कोई सह नहीं पा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से यूज में हम लोग आते हैं दोस्तों। तो हम बता दें कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बहुत ही इजी है। यानी कि मतलब इस और एक क्षेत्र में है, जैसे कि हमारी कोई भी टीम जब काम करती है, किसी भी लेवल पे एक टीम काम करती है, वेबसाइट डेवलपर की काम करती है, या फिर कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं दोस्तों हम लोग, या फिर कोई लैंग्वेज क्रिएट करते हैं, कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारे पास एक टीम होती है। उस टीम की सहायता के लिए, यानी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, या दूसरा लैंग्वेज ला करके पाइथन में ऐड करना, उतना ही आसान है जितना आसान हम किसी चीज को मिटा करके फिर से लिख दे दोस्तों। तो यही एकमात्र ऐसी इकलौती लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं और आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके हिस्ट्री पे कि आखिर पाइथन की हिस्ट्री हुई क्या। नीदरलैंड के जुआर्डो वॉन रोशन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। कौन किया था? जुआर्डो वॉन रोशन। रोशन ने इसकी शुरुआत की थी कब? 1980 में। 1980 में इन्होंने शुरुआत किया था इसका। ठीक है, 1980 में शुरुआत किया और 1980 से 1991 तक इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद क्या किया, इसको डेवलप किया। ठीक, 10 साल लग गया इनको मात्र एक पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में। और इतना ही नहीं, सबसे पहली जो लैंग्वेज थी हमारी 1994 आई दोस्तों। कब? जनवरी 1994 में, जिसको हम लोग 1.0 के नाम से जानते हैं। हम आप लोगों को अच्छे से लिख देते हैं, जो हमारी पहली लैंग्वेज है वो जनवरी 1994
91 में आई, जिसको हम लोग 1.0 के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, ये हमारी सबसे पहली पाइथन का हमारा जो ये था एप्लीकेशन, ये सबसे पहले कब डेवलप किया, जनवरी 1991 में डेवलप किया दोस्तों वो 1.0। इसी तरीके से जो हमारा दूसरा आया, जैसे देखिए होता क्या है कि हम लोग इसको अपग्रेड करते गए, तो जो हमारा दूसरा आया था वो कब था, अक्टूबर में था, कब था, अक्टूबर 2000 में। इसमें क्या हुआ कि 2.0 हमारा आ गया, मतलब ये हुआ दोस्तों सीधी सी बात है कि जब हमारा दूसरा लैंग्वेज आया तो दूसरा लैंग्वेज कब आया, अक्टूबर 2000 में आया था दूसरा लैंग्वेज, जिसको हम लोग 2.0 के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों हमारा आया था दिसंबर 2008 में आया, बहुत काफ़ी लंबा समय इन्होंने ले लिया था, इसमें क्या किया कि काफ़ी लंबा समय ले लिया और थोड़ा सा समय लगा दिया। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते थे दोस्तों, इसको हम लोग जानते थे 3.0 के नाम से, किसके नाम से, 3.0 के नाम से। इसी तरीके से हमारा चौथा जब डेवलप हुआ है, जो अभी नया नया आया हुआ है, जो मार्केट में चल रहा है 3.6.1, जो कि मार्च 2017 में डेवलप हुआ, कब हुआ, मार्च 2017 में डेवलप हुआ है, जिसको हम लोग 3.6.1 के नाम से जानते हैं। तो इतने हमारे जो है अपग्रेड वर्जन पाइथन के हैं, जो कि रनिंग पीरियड में चल रहे हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जर्नल पब्लिक फ्री सॉफ्टवेयर, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये जर्नल पब्लिक फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, कोई चार्जेबल नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, इसका कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, यानी कि ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक हम बता दें आपको, एक इसकी हिस्ट्री की बात बताएं कि जो हमारा पाइथन लैंग्वेज था, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में क्या था, ये जो जूडो वॉन रोसन थे, इन्होंने क्या किया कि 1970 में ये एक कॉमेडी शो सर्कस देखने गए थे, जिसका नाम था मोंटी फ्लाइंग सर्कस, ठीक है, क्या था, मोंटिंग फ्लाइंग सर्कस, यानी मतलब क्या हुआ, इसमें पाइथन भी जुड़ा था, मोंटिंग फ्लाइंग पाइथन सर्कस, ठीक है। तो पाइथन का नाम यहीं से, इन्होंने इस सर्कस पे बहुत, इन्होंने ये सर्कस बहुत लाइक करते थे, तो इनसे इंस्पायर होकर के इन्होंने क्या किया, पाइथन का नाम डेवलप कर दिया 1970 में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, ये जो लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है दोस्तों। और हाँ, ये क्या होती है, ये कहीं बहुत सारी जगहों पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में, ठीक है, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करने में इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग गेम एप्स क्रिएट करने में यूज कर सकते हैं, वेबसाइट बनाने में यूज कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में यूज करते हैं, और इसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अरे इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये कि नासा में भी ये पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है दोस्तों, नासा जैसे जगह पे भी पाइथन लैंग्वेज यूज की जाती है। और इतना ही नहीं, किसी भी ओएस यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पाइथन आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा, इसको हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कभी भी प्रॉब्लम ये नहीं हो सकती कि हम इसमें कुछ और लिखे हैं और जब हम दूसरे सिस्टम में खोलते हैं तो वहां पे कुछ और लिखा जाए या फिर कुछ ना हो, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आती है दोस्तों। तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व है, सीधा सा फंडा है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सॉफ्टवेयर लेके जाएंगे और इसे आसानी से हम लोग रन करा देंगे। और हाँ, इतना ही नहीं, ये क्या है कि ये लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसमें होती है, यानी कि GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मॉड्यूल भी इसमें होता है, डाटा ट्रांसफर का भी मॉड्यूल है, यानी मतलब क्या हुआ, इसमें इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती है कि हम कुछ भी आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, किसी भी प्रोग्राम में कोड डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में इसका कोड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा है दोस्तों पाइथन लैंग्वेज। बाकी आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद।